अंबाला में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने शुक्रवार को शिरकत की और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अशोक ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उसे घमंडी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार करार दिया। अशोक तंवर ने कहा कि ये साइकिल यात्रा हरियाणा में परिवर्तन की यात्रा है, ये हरियाणा को बचाने की यात्रा है। फिर से प्रदेश में किसान और मजदूर कामगार का दौर आएगा। उन्होंने कहा कि मोदी और खट्टर सरकार ने देश प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। तंवर ने कहा कि आने वाले वक्त कांग्रेस का होगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। यात्रा भी है और हरियाणा को बचाने की यात्रा भी है। हरियाणा भी बचेगा, परिवर्तन भी आएगा, किसान मजदूर गरीब आदमी का फिर दोबारा आवाज आएगा, जिसमें कर्मचारी छोटे व्यापारी की सुनवाई होगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। और जिन लोगों ने हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया, इस देश को बर्बाद करने का काम किया है मोदी और खट्टर सरकार ने, उनका भी और उनके जो सहयोगी दल है जो साठ गांठ करके चुनाव लड़ते हैं, लड़ना चाहते हैं, उन्हें लोग वो भी पूरी इस परिवर्तन यात्रा में जगह जगह दिख रहा है कि बुजुर्गों से लेकर के नौजवानों में, खेत में, खलियानों में, सड़क पे, चौराहे पे, सब जगह लोगों का हाथ का सिंबल देखते हैं उनके चेहरे पे खुशी। ये इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी अगले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी।